करना चाहूँगा अपने सभी साथियों से, अंतिम चरण है चुनाव का, 2-3 घंटे बाकी हैं, उसमें सभी साथी जो भी देख रहे हैं आपके दर्शक, उनसे अपील करूँगा कल अपने अपने गाँव में प्रचार प्रसार जिस तरह भी डोर टू डोर कर सकते हैं वो करें, और इलेक्शन के तुरंत बाद 5 तारीख को शाम को 17C फार्म लेकर 6 तारीख को कार्यालय में सब साथी पहुंचे, उन सब का स्वागत भी करेंगे, विधायक जी वहां मिलेंगे। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा, और जनता ने इतना प्यार दिया शमशेर सिंह गोगी जी को, जो प्यार उन्हें जनता को 5 साल बंटा था वो 4 गुना करके उन्होंने वापिस जनता ने दे दिया। आज सालवन में है, कैसा ये कार्यक्रम रहा और कैसे स्वागत हुआ विधायक? शुरुआत भी सालवन से ही करी थी, और आज ये चुनावी सब आखिरी भी सालवन में, कल सालवन के करीब 200 आदमी शाम को इकट्ठे थे 36 बरादरी के, उन्होंने सब ने मिलकर 10-10 पैसे 100-100 रुपये इकट्ठे करके ये जो इंतजाम कराया वो भी सब ने कराया, और 36 बरादरी ने आज जो आश्वासन दिया इस बार शमशेर सिंह गोगी जी को, असंध की जनता ही नहीं सालवन की जनता भी चुनाव जितावे। विधायक या मंत्री? वो तो आप सब ने देखा, राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा था इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही, और उस कांग्रेस की सरकार में असंध का हिस्सा होगा, उस हिस्से का मतलब ये है शमशेर सिंह गोगी जी एक बहुत बड़े ताकत के रूप में आवेंगे, बहुत बड़ा मंत्रालय उनको मिलेगा और वो सेवा करेंगे इस हल्के। जनता की लहर है एक तरफ, बिल्कुल शमशेर सिंह गोगी। मैंने पहले दिन से आपको एक आंकड़ा दिया था, आज भी मैं उस आंकड़े पर कायम हूँ, पिछली बार 33,000 थी, इस बार 2.5 गुनी से 3 गुनी वोट होंगी, 1 लाख भी हो सके, नहीं तो जो बीजेपी का एक नारा था नहीं 75 पार, मैं कह रहा हूँ इस बार शमशेर सिंह होगी 80,000 पार, बाकी सब की जमानत जब्त होंगी, और कांग्रेस एक तरफा इतनी जबरदस्त ताकत से आवेगी कि ये हरियाणा का रिकॉर्ड भी असंध में टूटेगा। राणा जी, जिले की बात कर रहे हैं, गोगी जी कह रहे हैं सबसे पहला मेरा काम ही होगा, मंत्री बनूंगा बाद में लेकिन पहले जिला बनेगा असंध। बिल्कुल, शमशेर सिंह गोगी की ये बात आज की नहीं है, MLA बनने से पहले का एक सपना था असंध डिस्ट्रिक्ट बने, और इसका पूर्णतः विकास हुआ है, क्योंकि असंध बहुत पिछड़े हुआ इलाका है, शिक्षा के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से सब में पिछड़ा था, शमशेर सिंह गोगी के आने के बाद 100 बेड का अस्पताल ही ने असंध में मंजूर कराया, शिक्षा पे भी बहुत ध्यान दिया, कई गाँव में 1.5-1.5-2 करोड़ रुपये शिक्षा पर भी खर्च करवाए हैं, तो जब भी ये मंत्री बनेंगे तो सबसे पहला काम होगा असंध डिस्ट्रिक्ट बनेगा, उसके बाद अगला कोई काम शुरू होगा।